काफी लंबे समय से पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए दतिया मेडिकल कॉलेज इंतजार कर रहा था, जो अब समाप्त हुआ। प्रेस वार्ता कर मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर ने दी पैरा मेडिकल कोर्सेज प्रारंभ होने की जानकारी। उन्होंने बताया अब दतिया में ही पैरा मेडिकल कोर्सेज दतिया मेडिकल कॉलेज में होगा, छात्रों को बाहर नहीं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में पैरामेडिकल कोर्स चालू हुए हैं। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के, माननीय सीएम साहब के और एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के प्रयासों से एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारी सुलेमान साहब, निशांत बरबड़े साहब, डीएमई मैडम के प्रयासों से हमें पैरामेडिकल की परमिशन मिल गई है, जिसमें 12 कोर्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन से बहुत सारे फॉर्म आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ फॉर्म आना बाकी है। तो आप लोगों को बुलाने का मतलब मकसद ये है कि आप लोगों के माध्यम से जो दतिया और दतिया के आसपास के जो ज़िले हैं उनको ये मैसेज चला जाए कि पैरामेडिकल की भर्तियां चालू हैं, पैरामेडिकल कोर्स चालू करने के लिए जो कोर्स करना चाहते हैं पैरामेडिकल का, है ना, जैसे DMLT है, पैथोलॉजी का है, एक्सरे का है और अन्य जो कोर्सेज हैं उसका अगर कोर्स करना चाहते हैं तो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लास्ट तिथि हमने 6 मार्च रखी है। अभी भी वक्त है, आराम से कर सकते हैं। ये कोर्स करने से फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में जब भी दतिया मेडिकल कॉलेज में जगह निकलेंगी तो यहीं कहीं वो उनको जगह मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी भी नहीं मिलती है तो किसी भी प्राइवेट संस्था में, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में एक्सरे का, पैथोलॉजी का और अन्य जो टेक्नीशियन का कोर्सेज हैं वो उनको लेके उनकी जीविका मिल सकती है। तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का ये प्रयास है कि दतिया के जितने लोग हैं डॉक्टर मतलब बनना चाहते हैं, पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म 6 तारीख के पहले पहले जमा कर दें, ताकि उनको सिलेक्शन करके उनकी परीक्षाएं या उनके पढ़ाई चालू कर सकते हैं।